सापुतारा के सनराइज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है जो कि गुजरात में स्थित है। तो गाइस सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, ठंडी बहुत है, आग सेक रहे हैं। सुबह होते ही हम पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिए हैं। गाइस ऊपर चढ़ते ही हवा बहुत भयानक चल रही है, बहुत तेज हवा है और चारों तरफ बादल आसमान में छाए हुए हैं। गाइस इतना भयानक नज़ारा हमें क्या दिखाई दिया कि हम फौरन पहाड़ से नीचे उतर गए। जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो को। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज है 10 जनवरी 2022, हम सूरत से सापुतारा की तरफ निकल दिए हैं। जल्द ही हम सापुतारा पहुंच जाएंगे। चारों तरफ हरियाली, सुनसान सड़कें, बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। गाइस सापुतारा स्वर्ग दिखाई देता है। जब भी आओ, टाइम ले कर के आओ, 3 से 4 दिन तक मज़े करो सापुतारा में। गाइस पहाड़ से गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस यह है हमारा सनसेट पॉइंट, जहां से सूरज डूबता हुआ बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये ऊंचाई से सापुतारा ऐसा ही दिखता है, बहुत खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली। ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको चारों तरफ। और साईं बाबा का दर्शन करने हम शिरडी जा रहे हैं। 11 तारीख को हम शिरडी में रहेंगे और 12 तारीख को आपको सुबह सुबह हम आपको सनराइज़ पॉइंट दिखाएंगे। तो अब हम साईं बाबा का दर्शन करने शिरडी की ओर निकल रहे हैं और 11 तारीख को रात को ही हम सापुतारा फिर से पहुंच जाएंगे। और शिरडी में तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो ओनली हम सड़क पर ही ब्लॉग शूट कर पाए हैं। जल्द ही हम सापुतारा रिटर्न पहुँच जाएंगे और रात भर वेट करेंगे, सुबह होने का इंतज़ार करेंगे और सनराइज पॉइंट आपको दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, पूरा देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी को। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि गाइस हम सापुतारा पहुंच चुके हैं, ठंडी का मज़ा ले रहे हैं आग सेक करके, और सुबह होते ही हम सनराइज पॉइंट निकल देंगे और हमारी गर्मा गर्म चाय बनना शुरू हो गई है। पूरी रात भर हम चाय पियेंगे और गर्मा गर्म मैगी खा करके अपना रात गुजारेंगे। आग सेकेंगे, रात भर जागरण होगा, रात भर पार्टी होगा, यहाँ पर चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे। जैसा कि गाइस ठंड बहुत है, ठंडी का सीजन है, आग सेक करके हम ठंडी भगा रहे हैं। हमारी गर्मा गर्म मैगी तैयार हो रही है। मुझे ज़्यादा मसालेदार चीज़ पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सादा चीज़ ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। वैसे यहाँ मिलने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, पूरी रात भर यहाँ पर दुकानें खुली रहती हैं। सापुतारा नाइट फास्ट फूड एरिया है, पूरी रात यहाँ पे दुकानें खुली रहती हैं। तो चलिए गाइस थोड़ी ही देर में सुबह होने वाला है, चाय पी करके निकलते हैं सनराइज पॉइंट की तरफ। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है सनराइज पॉइंट में। यहाँ पर कुछ लोग पहले से ही सूर्य का उदय होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। शायद तक ही आज सूर्य भगवान उदय होंगे, क्योंकि बहुत ही बादल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ठंड का सीज़न है जिससे कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो हमें शायद ही आज सूर्य भगवान दिखाई देंगे। तो चलिए गाइस अब हम निकलते हैं उस पहाड़ की ओर। हमें तो उस पहाड़ पे जाना है, ऊंचाई पर, जो सबसे ऊंचा पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। तो हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। वहाँ तो अभी कोई नहीं गया है, लेकिन हम जाएंगे। जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ हम जाते हैं। तो चलिए गाइस अपना सफ़र शुरू करते हैं। ऐसी जीत।
तो गाइस अभी हम उस पहाड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आपको दूर से मैं दिखा रहा था कि हमें उस पहाड़ पर जाना है। तो गाइस जो पहाड़ इतना बड़ा दिख रहा था, हम वही पहाड़ पर अब चढ़ रहे हैं। और इस पहाड़ पर थोड़े दूर आगे बढ़ने के बाद ये मंदिर दिखाई देता है, इसीलिए मैं जूता और मोजा निकाल दिया हूँ, पैदल ही चल रहा हूँ। और थोड़े और आगे बढ़ने के बाद मुझे ये नाग देवता का घर दिखाई देता है। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ सांप रहते हैं। तो थोड़ा दूर आगे बढ़कर मैं तुरंत ही जूता और मोजा पहन लेता हूँ। तो चलिए गाइस जूता और मोजा पहनकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जूता पहनने के बाद पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जूता सरकने लगता है। घड़ी में 7:30 बज चुके हैं और अभी तक सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। बहुत ऊंचा पहाड़ भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, कोहरा छाया हुआ है। और थोड़ी ही देर में हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर क्योंकि बहुत ऊंचे पहाड़ पर हम आ चुके हैं। और जैसा कि हम चलते चलते पहाड़ पर पहुंच चुके हैं, ऊंचाई पर आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, अगर आसमान में बादल नहीं छाए होते तो सूर्य भगवान यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते। तो चलिए गाइस यहाँ पे हवा का ही मज़ा लिया जाए। मैं आपको अपने कोट शर्ट उतार के दिखाता हूँ कि हवा कितना तेज चल रहा है। देखिए गाइस पूरा लहर रहा है मेरा ड्रेस कोट, कितना तेज हवा चल रही है। देखिए गाइस बहुत तेज मेरा कपड़ा उड़ रहा है। तो गाइस अचानक से मुझे क्या दिखाई देता है, बहुत ही भयानक नज़ारा जिसे देख करके मैं बहुत ही डर जाता हूँ और फौरन पहाड़ के नीचे भाग जाता हूँ। देखिए गाइस सुनामी जैसी बादल आ रहा है, इतने सारे बादल एक साथ देख करके मैंने डर गया। गाइस इस पहाड़ पर मैं अकेले ही आया था इसीलिए मैं डर गया था, अगर मेरे साथ कोई होता तो मैं डरता नहीं। तो गाइस डर के कारण मैं तुरंत ही पहाड़ के नीचे उतर गया। प्राकृतिक के ऐसे भयानक नज़ारा को देखकर कोई भी आम इंसान डर जाएगा। और मैं यहाँ पर अपना बैग और कैमरे का बैग छोड़कर पहाड़ पर गया था, तो वापस अब मैं रिटर्न आ गया हूँ। अब हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर करके अब हम आगे बढ़ेंगे। नीचे उतरने के बाद हमें दो फ्रेंड मिल जाते हैं, एक का नाम है लाली और एक का नाम है जैक। जैक और लाली मुझे कहीं पर शायद लेकर जा रहे हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। तो चलिए गाइस ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं तो इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो गाइस ये लोग मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, इतनी ऊंचाई से पूरे गांव का नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये मुझे ये गांव का नज़ारा दिखाने के लिए लेकर आए थे, इस जगह पर खड़े होने से पूरे गांव का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, ये महाराज इस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ये शिव रुद्र हनुमान जी का मंदिर है। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, काफी देर इंतजार के बाद सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। दिलीप महाराज शिव रुद्र हनुमान जी मंदिर सापुतारा नवागाम और गुजरात। तो गाइस ये महाराज हमें शिव जी के दर्शन करने नीचे ले जा रहे हैं।
तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सापुतारा का ऐसा वीडियो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम नीचे शंकर भगवान का दर्शन करके ऊपर आ गए हैं। देखिए गाइस, सूर्योदय होने के बाद जो पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। और अब जैक और लाली से अलविदा लेने का समय आ गया है। महाराज भी अब अपने घर पे जा रहे हैं, तो अब हम भी अपने घर की तरफ निकलते हैं। महाराज देखिए पहाड़ के एकदम किनारे किनारे जा रहे हैं, मैं तो उस रास्ते पर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ये महाराज तो हिमालय तक भी गए हैं ये बता रहे थे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और हम भी अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।